हेलो, हाँ भाई, क्या हाल चाल है? नमस्ते सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है सर। हाँ जी, नमस्ते। बताइए शिवाजी भाई। सर मैं हिस्ट्री में बात करना चाहता हूँ। हिस्ट्री में करेंगे बात या बुद्धिज्म पे बात करेंगे? किस पे बात करना चाहेंगे सर? हिस्ट्री पे क्या बात करनी मतलब मेरे हिस्ट्री के पहले क्या आप अपने बुद्ध को साबित कर सकते हैं? यार, बुद्ध को साबित करने की जरूरत ही क्या है? बुद्ध नहीं के नहीं तो एक इतने मिनट सारे सर, प्रमाण हैं, आपको पता नहीं है मैं क्या? नहीं, अच्छा सम मैंने मेरा एक सवाल अभी अरे भी आप बाकी बात रह कर गया था सर। अरे शिवाजी भाई, आपको उस दिन आए थे, आपको बताया था, आपको प्रमाण दे दिए थे, आप कैसी नहीं, बातें कर आपने रहे हैं? 19 तारीख सर, आपके मतलब बुद्ध जी के समकालीन प्रमाण साबित करने की बात हुई थी ना, तो आप तो मुझे अखबार का आर्टिकल दिखा रहे अरे थे, तो यार, अखबार से आपके बुद्ध को नहीं साबित कर शिवाजी भाई, सकते ना सर? शिवाजी भाई जरा सुनिए जी यार। सर, एक तो होता है कि समकालीन प्रमाण दिखाइए, एक आपको जी आर्कियोलॉजिकल प्रमाण खुद बुद्धा का मिल रहा है और आपको समकालीन चाहिए। मतलब ये किस तरीके की बात कर रहे हो? खुद बुद्ध का प्रमाण है तो फिर आपको समकालीन क्यों चाहिए? मुझे इस चीज की समझ नहीं आई सर, ये बात। नास्तिक नास्तिकवाद का मतलब आप समझते हैं सर? नास्तिकवाद का मतलब समझते हैं? अरे यार, आप नास्तिक बात पे छोड़िए, अभी यहाँ पर बात करिए, बुद्ध पर आप बात कर रहे हैं तो बताइए, आपको बुद्ध के प्रमाण उस दिन दिखाए गए थे? समकालीन एविडेंस, समकालीन समकालीन क्या सा? 635 साल पहले, 635 साल BC, 635 BC पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है? मैंने उसका प्रमाण मांगा था सर, और अभी भी मेरा यही अरे सवाल है सर। उस दिन एक आपको मिनट पूरा रुकिए ना, प्रमाण मुझे दिखाया किताबों को था, खोलने दें। नहीं, नहीं, आपने आपने सर सर दिखाया था, अखबार का लेकिन एक फिर भी आप आ गए। आर्टिकल, सर आपने अखबार अखबार का का? आर्टिकल अरे दिखाया था। भैया, आर्टिकल नहीं, दिल्ली म्यूजियम में चले जाइए, आपको बुद्ध के जो रिलिक्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। हमारा ये ऐसा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके प्रमाण है। जी, तो सर क्या उसके पहले दुनिया थी या नहीं थी? आपके भगवानों का प्रमाण है सर? सर मैं नास्तिक हूँ, देखिए, हम तो ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं नास्तिक नहीं, लेकिन ना शिवाजी नहीं। शर्मा आप जी, अगर रैशनलिस्ट मैं हो तो, तो आप मैं बुद्ध पे हाँ बात, अगर रैशनलिस्ट है आप ना। अगर नास्तिक, सर नास्तिक का मतलब समझते हैं? मैं नास्तिक हूँ, ओरिजिनल नास्तिक, मैं किसी भगवान अगनोस्टिक भगवान को नहीं है, मानता हूँ। मत यस माने ना। ओरिजिनल, अरे तो मत माने ना तो मेरे सर भाई, इससे क्या मैं बुद्ध फर्क को भी नहीं पड़ेगा? मानता हूँ। बुद्ध का जन्म ही साबित मत नहीं हो पाता माने, तो फिर उनको मानो अरे मत क्यों? माने, मत तो फिर आप माने। नमो बुद्धाय क्यों कहते हैं? तो हमने फिर कहाँ नमो कहा बुद्धाय भाई क्यों नमो कहते हैं आप? बुद्धा है? हर बार हमने कहा कि नमो आता बुद्धा है, है? जो आता है आपका खुद का आपको क्या भी, आप करना है? वो सुनिए ना, नहीं तो आपको जब क्या कोई करना भी है, आप आता अपना है। बताएं ना। आप नास्तिक हैं? आप नास्तिक यस हैं यस पक्का 100%? 100%। तो आप ये मानते हैं वेदों में जातिवाद है? यस मानता हूं, वो वेदों में किसी जातिवाद है भगवान मानते ने हैं? तो नहीं हमारे लिखा समस्या तो जातिवाद है ना, हम तो जातिवाद पे बात कर रहे हैं, हमने बुद्धिस्टों पे कब बात कर ली? सर। आप किसी बुद्धिज्म जातिवाद के चरणों मुझे में ये जाए, बताइए, शिवाजी शर्मा बुद्धिज्म जी, आप में किसी, मैं जितने आपको म्यूट कर दूंगा ना। हाँ, आप समझने की कोशिश करें, अगर आपको बात करनी है बुद्धिज्म पे बात करनी, तो आप किसी बुद्धिस्ट के चैनल पे जाएं, जिनको जिनको बुद्धिज्म पे उनको महारत हासिल हो। अगर एक बार हमारे बीच मॉरल टीचर जी भी आ गए हैं। हाँ मॉरल टीचर जी, जय भीम सर। जय भीम न्यूटन जी और सभी दर्शकों को जय भीम। और हमारे शिवाजी शर्मा जी एक बार फिर से उपस्थित हैं अपना घिसा पिटा क्वेश्चन हाँ, लेके। तो चलिए आज मैं अपन इसी किताबें मुद्दे खोल रहा पे हूँ डॉक्टर जी, जय भीम क्यों हाँ बात बोलते कर हैं लेते सर? हैं। जय भीम, अगर आप रैशनिस्ट हो तो जय अरे भीम क्यों शर्मा जी, बोलते हो एक आप? मिनट शर्मा जी, अरे शर्मा जी एक बात अंबेडकर जी बताएं, का नाम है आपको ना। आपको तकलीफ किस बात से? इससे आप अपनी तकलीफ बताएं ना। मुझे तकलीफ इस बात से है कि हाँ किस आप बात से? अगर नास्तिक हो, रैशनिस्ट व्यक्ति हो, तो आपके किसी एक को बदनाम करना और दूसरे को डिफेंड करना, नहीं जय इट इज भीम क्या नॉट ए है वैसे, आप क्या नास्तिक। समझते हैं? नहीं, आप जय भीम से समझते क्या है? क्या है जय भीम? जय भीम जो है वो जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं नौयान, जो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चालू किया था नौयान, भीम किसका वो नाम था लोग सर? भीम किसका नाम था?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता तो रहा हूँ आपको, फिर आपको तकलीफ क्या है? नहीं नहीं, फिर आपको जय भीम बोलने से तकलीफ क्या है? आपको पता नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? पता नहीं है आपको? वो बुद्धिज्म को फॉलो करते ना, वो नवयान को फॉलो करते हैं। नवयान की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी है? यस, नवयान, नवयान जो है वो बुद्धिज्म का ही एक मार्ग है। बहुत दिन हो गए, चलिए सर नवयान को 22 प्रतिज्ञाएं आपको पढ़वा ही देते हैं। आजाद भाई खोलिए 22 प्रतिज्ञाएं आज पढ़ेंगे हमारे शर्मा जी के साथ, और फिर से 22 प्रतिज्ञाओं का मुझे सबसे पहले मुझे आप शिवाजी भाई, शिवाजी भाई डिबेटिंग नहीं पढ़ूंगा शिवाजी। अरे शिवाजी भाई डिबेटिंग सेंस सीखिए, आप सीखिए थोड़ा। आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है तो आप बीच में इंटरप्ट ना करिए, ठीक है? वरना फिर आप रोते हो बोले। वैसे सबसे पहला मेरा, सबसे पहला मेरा ये सवाल है शिवाजी, ये नास्तिक सबसे पहला मेरा ये सवाल है। नास्तिक का मतलब होता है किसी भी भगवान, हाँ नास्तिक का मतलब ये होता है जो किसी भी भगवान को ना माने उसे कहते हैं नास्तिक। ये थोड़ी ना होती है न्यूटन जी का, जो किसी भी इंसान को ना फॉलो करके खुद के आइडियोलॉजी को फॉलो करे उसे कहते हैं नास्तिक। नहीं सर, पर मेरा खुद का आइडियोलॉजी है और मैं खुद के आइडियोलॉजी पे चलता हूँ। आपकी बचाई विचारधारा हो गई। आप हमें ऐसा कहाँ लिखा है कि नास्तिक का मतलब किसी भी भगवान को ना माने, थोड़ा बताएं कहाँ लिखा है? तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कि नास्तिक जो बोलता है अपने आप को वो बोलेगा नमो बुद्धाय या जय भीम? नहीं सर, कहीं नहीं लिखा सर, किसी ने मना किया है आपसे? आप बोलिए जय भीम। जय भीम आपको आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकता शर्मा जी। आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से चिढ़ है, तकलीफ है, आप उनका विरोध करते हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर आप नहीं चिढ़ रहे उनसे? नहीं तो फिर आप जय भीम पर विरोध क्यों कर रहे हैं? जय भीम का नहीं विरोध कर रहा हूँ मैं, जो आप नास्तिक बोल रहे हो ना, आप अंबेडकर, मैं नास्तिक की बात कर रहा हूँ। आप अंबेडकर विरोधी हैं क्या? नहीं, अंबेडकर मैं किसी का विरोध नहीं हूँ। मैं नहीं, आप सवर्णवादी हैं क्या? पहली बात सुनिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप खुद नास्तिक बन जाओगे। आप शर्मा जी सवर्णवादी इतिहास ही पढ़ाता हूँ, मेरा जीवन जितनी आपकी उम्र होगी उससे ज्यादा समय से इतिहास पढ़ा रहा हूँ। आप वो छोड़िए, पीएचडी भी है मेरे पास इतिहास में, वो छोड़िए। ये बताइए आप सवर्णवादी, आप सवर्णवादी है क्या? मैंने नहीं, सवर्णवादी है क्या? नहीं नहीं, तो फिर शर्मा क्यों लगाया अपने नाम के पीछे? आपने अपने नाम के पीछे शर्मा क्यों लगाया? शर्मा जो ये है, ये एक टाइटल है मेरा, इट इज ए टाइटल ओनली। ये टाइटल नहीं है, शर्मा ब्राह्मण होते हैं, वो लोग शर्मा नाम लगाते हैं। आपको किसने कहा कि शर्मा खाली ब्राह्मण होते हैं? नहीं साहब, ज्यादातर शर्मा ब्राह्मण होते हैं। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। आपके पिताजी क्या थे फिर सर? मेरे पिताजी भी जो मैं हूँ वो मेरे पिताजी थे नास्तिक। नहीं, आपके पिताजी नास्तिक जो है, मैं नास्तिक नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ आपके पिताजी नाली साफ करते थे जूते सिलते थे? नहीं सर, आप सुनो ना, नाली साफ करते थे या जूते सिलते थे? सुनो ना, नहीं आपके पिता सुनो मेरी बात को, सुनो, या जूते सिलते थे? हाँ ये तो थोड़ा बताएं। नहीं, बढ़ई थे वो, बढ़ई थे। अच्छा, बढ़ई क्या होता है सर? यस, बढ़ई मतलब क्या करते थे? बढ़ई में क्या करते थे? लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है। अच्छा, तो आप उसे बढ़ई कहते हो? आप ब्राह्मण नहीं है ये कह रहे हैं? नहीं, मैं शर्मा बढ़ई। अच्छा, शर्मा बढ़ई है आप? अच्छा, Yes. इसमें तकलीफ क्या है आपको? जय भीम बोलने में तकलीफ क्या है? और नास्तिक कैसे बन गए? कब बन गए आप नास्तिक, थोड़ा बताएं। नहीं, आप नास्तिक कैसे बन गए? जब मैंने तो आप बोलने देंगे मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिए। नास्तिक मैं तब बना, यस मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ सर। नास्तिक मैं तब बना जब मैंने सबसे पहले, मेरे को पूरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले मैं नास्तिक बनने की मेरी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैंने इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश की, तो क्या उसकी जाना, जब नहीं, नहीं, क्या जाना और, क्या जाना, थोड़ा बताएं तो सही। ये जाना कि उसमें ये जाना कि 1400 साल के पहले इस्लाम 1400 साल के पहले इस्लाम धर्म का नामो निशान नहीं था, क्योंकि 1400 साल पहले कुरान नहीं था। ये इस्लाम धर्म को डिफेंड कर दिया मैंने, खत्म। अगर इस्लाम नहीं, अगर कुरान नहीं, खत्म हो गया तो इस्लाम नहीं, खत्म हो गया। अगर कुरान इस्लाम में, नहीं, इस्लाम में जीसस का नाम कितनी बार आया है, थोड़ा बताएं। थोड़ा आपने इस्लाम पढ़ी ना, जीसस का नाम कितनी बार आया? 37 बार आया है सर। 37 बार आया है, तो फिर इस्लाम में 37 बार आया है। 35 बार आया। अच्छा, चलिए, आपने कहा 35 बार आया, तो सर इसमें फिर
ईसा क्या कौन है इस्लाम में? ईसा कौन है? ईसा जो कुरान में है ना, वो उस कुरान का बॉस ईसा है। ईसा मसीह के अलावा कुरान में सबसे ज्यादा स्टोरी अगर किसी की मिलेगी तो ईसा मसीह की मिलेगी। यस। अच्छा, फिर मूसा कौन था सर? मूसा नाम है कि नहीं? मूसा जो था वो इब्राहिमिक रिलीजन, यानी कि जो मूसा था, नाम सुना है ठीक है, वो एक ईसाई धर्म का था। और जितने भी प्रॉफिट होते हैं ना, जितने भी प्रॉफिट मुसलमान धर्म में है, वो सब के सब चोरी के माल है। क्या होता है? नहीं, प्रॉफिट क्या होता है थोड़ा बताएं। नबी, नबी बोलते हैं। नबी क्या होता है? नबी क्या होता है? अब मुसलमान की लैंग्वेज इतनी मुझे नहीं आती, बट नबी बोलते हैं, यानी कि जो उनके धर्म को आगे बढ़ाया। हाँ शर्मा जी, बताया ना, जो उनके धर्म को आगे बढ़ाया। नहीं नहीं आपने, अच्छा एक बात बताया, आपने वो जब इस्लाम अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो आप इस नतीजे पे कैसे पहुंच गए कि वो खराब है? भाई मैंने बताया ना कि इस्लाम धर्म में 6 साल की बच्ची से शादी करना। नहीं नहीं, इस्लाम की कुरान पूरी पढ़ी है? कुरान पढ़ी है आपने? हाँ पढ़ी है। हाँ पूरी पढ़ी है। कितनी आयतें? 30 सूरा है, और आयतें जो है 30 सूरा 30। और 30 आयतें कितनी है वो मुझे याद नहीं है इस टाइम। अच्छा, क्योंकि तो कुरान पढ़ के काफी टाइम हो गया है। नहीं नहीं, पढ़ा क्या आपने फिर? कुरान की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। कुरान का जो हीरो है वो है, असली हीरो है ईसा मसीह, और दूसरा जो उसका उसको जो उसके बारे में बताने वाला है वो है मोहम्मद, ठीक है। और मोहम्मद ने 22.5 साल में पूरी कुरान को लिखा। उसके दिमाग में, अनपढ़ आदमी के दिमाग में जो कुछ भी आया उसने कुरान में लिखा। और कुरान में अल्लाह नाम का मनगढ़ंत कहानी लिखा। उसने 13 शादी की, 13 शादियों में 6 साल की बच्ची थी, और उसने अपनी बहू के साथ भी शादी किया। अपनी बहू को, यानी कि एक हिसाब से वो बहू तो बेटी होती है, और बेटी को भी उसने अपने बेटी के अपने जो कहते गोद लिए बच्चे को, गोद लिए बेटे को, गोद लिए बेटे की बहू को उसने तलाक दिला के खुद शादी कर लिया। न्यूटन जी खुल गया क्या कुरान में? ऐसा आप कुछ किताब खोल रहे थे ना? हाँ, वो पीडीएफ को मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ। चलो तो आप कर लो, बात हो गई हो तो आपकी खुल गई हो तो चलिए करिए आप बात। ये तो जलेबी बना रहे हैं आप, देखिए जलेबी बना रहा हूँ। अच्छा, 13 शादी उन्होंने की, जलेबी है? मोहम्मद ने 13 शादी की, जलेबी है? अपनी बेटी के साथ ही संभोग कर लिया था सर, वो जलेबी है। तो आपके पास एविडेंस है? किसका? ब्रह्मा का। ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ संभोग किया, आपके पास कोई फोटो क्लिप है? सर यम और यमी ऋग्वेद में बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, ये बेब की बात छोड़ो, पहले जो भाई आपको बता रहा हूँ ना हिस्ट्री के बारे में। बस फोटो है कि मोहम्मद साहब का अपनी बहू के साथ करते हुए कुछ फोटो वोटो है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। मोहम्मद फोटो खींचता तो फिर आपकी फोटो मांग रहे हैं भाई, आपको कैसे पता चला? हाँ भाई फोटो बताएं तो पहले। अच्छा शिवाजी, शिवाजी भाई ये बताओ, आपका आप कितने साल की हो, आपकी उम्र क्या है? अच्छा, तो ये बताइए आपके समकालीन क्या प्रमाण है कि आप 1982 में पैदा हुए थे? मैं जिंदा हूँ, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। नहीं तो जिंदा हूँ ये प्रमाण तो है कि आप पैदा हुए थे, लेकिन 1982 में पैदा हुए थे इसका क्या प्रमाण है? समकालीन इसका प्रमाण यही है कि मैं 42 साल का हूँ और मैं जिंदा हूँ, यही प्रमाण है। अरे जिंदा हो, मैं मान रहा हूँ जिंदा हो, आप पैदा हुए थे, आप मैं आपको ये प्रमाण चाहिए कि आप 1982 में पैदा हुए थे। नहीं आप मेरे हिसाब से आप सुनिए, अरे शिवाजी भाई सुनिए, आप आइए मेरे गांव में, मुझे तो कितने एविडेंस चाहिए आपको? अरे सुनिए तो, मुझे तो लगता आप 65 साल के हो, मुझे समकालीन प्रमाण चाहिए आपका कि आप 44 साल के हो। फोटो चाहिए आपको, पैदा होते आपको यहाँ से मैं कैसे, मेरा मार्कशीट, मेरा मार्कशीट, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा जो जो कुंडली बनाया है वो सब मैं दिखाऊं? फोटो चाहिए सर, फोटो चाहिए, कुंडली बनवाई थी।
मार्क्सिट तो मार्क्सिट तो बाद में भी पढ़ लिख के बनाई जा सकती है। पैदा होते फोटो की थोड़ी ना पैदा होती मार्क्सिट पैदा होती थोड़ी ना बन जाएगी यार। मेरे को तो मार्क्सिट नहीं चाहिए, मेरे को समकालीन प्रमाण चाहिए। इस्लाम का स्टडी काफी किया है और इस्लाम को एक जन बात करो ना, अरे एक जन बात करो ना भाई, हेलो एक बात करो ना, इतने तीन तीन चार चार क्यों बात करो, एक बात करो। नहीं ये पर्सनल चलेगा ना, मैं तो रोक रहा हूँ शिवाजी शर्मा जी, ये रुको ना, मैं ये पर्सनल जा रहे हैं आप बोलो, समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, किसका जवाब दूँ। अरे शर्मा जी न्यूटन जी बात कर रहे हैं, रुक जाओ, वही करेंगे अब आगे बात। शर्मा जी एक्चुअली क्या है बात, अब आप मत बोलना, चुप रहना, न्यूटन को बात करने दो। हाँ शर्मा जी आप थोड़ा रुक जाए, मैं क्या बातें पर्सनल जा रही है तो मैं उसी को रोक रहा हूँ, पर्सनल नहीं जाएंगे हम, ठीक है मैं आपको ऊपर ले चले। तो शिवाजी शर्मा जी आप ये बता रहे थे कि आपने ये सवाल पूछा कि क्या फोटो वगैरह है, ये सवाल आई तो आपने क्या मोहम्मद जी का फोटो देखा है उनकी 13 बीवियों के साथ, क्योंकि आपने इस्लाम पे स्टडी किया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपसे नहीं पूछता। इस्लाम कुरान में जो लिखा है ना, मैं उस बात को आपको बता रहा हूँ, मेरे पास फोटो नहीं है, नहीं तो मैंने बोला ना पहले ही बोल दिया। हाँ महाराज तो हमने भी तो हिंदुइज्म पे स्टडी किया है ना, तो जैसे आपने इस्लाम पे स्टडी किया और आपने फोटो मांगा, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर आपने इस्लाम हिंदुइज्म पे आपने किया है, नहीं अगर आपने हिंदुइज्म पे किया है, पहले मेरी बात तो पूरा करने दो भाई साहब। अच्छा चलो बताओ, तो आप ही बोल रहे हो, अगर आप कुरान पे बात किए और हिंदुइज्म पे बात कर रहे हो तो बीच में बुद्धिज्म और जैनिज्म, फिर आप फिर बोल रहे हो बीच में, भाई कंप्लीट तो करने दो कोई भी चीज। हाँ हाँ बताएं, जब जब इस्लाम नहीं था तब बुद्धिज्म था, सॉरी ईसाई धर्म था, और ईसाई नहीं था तो बुद्धिज्म था, और बुद्धिज्म नहीं था तो जैनिज्म था, और जैनिज्म नहीं था तो हिंदुइज्म था, और जब हिंदुइज्म भी नहीं था तब क्या था पता है आपको? क्या था तब, क्या था पता है आपको? डायनासोर थे। पता है हाँ, तो हिस्ट्री फिर से पढ़ लो, और जब डायनासोर थे तब कौन से भगवान थे? ये धरती भी थी और डायनासोर भी थे, वही तो मैं आपसे पूछा, तब कौन से भगवान थे, और तब कौन से बुद्धि थे, तब कौन से जैनिज्म थे, तब कौन से इस्लामिक थे, तब कौन से ईसाई धर्म थे, तब कौन से क्या थे? जब बुद्ध नहीं थे, हिंदुइज्म नहीं थे, इस्लाम नहीं थे, ये सब जब नहीं थे तब भी मेरी हिस्ट्री जिंदा थी और आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। तो क्या बताइए इससे, इस बात से तो क्या कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक चीज को आप डिफेंड मत कीजिए, अगर आपको डिफेंड करना है तो हर एक चीज, नहीं तो किसने डिफेंड आप कर रहे हो, मैं नहीं करता, मैं तो सबकी बात लगाता हूँ। सबूत है आपके पास? आपको ऐसी स्ट्रीम दिखाइए मुझे जहां पर बुद्धिज्म को डिफेंड करते हुए हम पाए गए, ऐसे कुछ दिखाइए सबूत। आपने नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, और जय श्री राम भी बोल देता हूँ, क्या करें फिर, मैं तो जय श्री राम भी बोल देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम भी बोल देता हूँ। जय श्री राम, अरे एक बात मुझे बताओ, राम कौन था और जय क्यों बोल रहे हो राम, आप बताए कौन था राम? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछा, मुझसे पूछ रहे हो भाई, राम कौन था? राम तो भगा, राम तो शंभु का उसने हत्या कर दिया था ना, गला काट दिया था, सीता को भगा दिया। राम ने शंभु, राम ने एक आदमी की हत्या नहीं की है, राम ने न जाने कितनों की हत्या की है, न जाने कितनों की हत्या की है। उसने जब रावण के ऊपर, रावण के किले के ऊपर जब आक्रमण किया था तब न जाने कितनों का वध हो गया था, ठीक है, उसने न जाने कितने उसकी तरफ से मारे गए थे और न जाने कितने उसकी तरफ से मारे गए थे। तो राम कोई भगवान था ही नहीं, वो आपके और मेरे जैसा नॉर्मल इंसान था। कृष्ण, अरे कृष्ण एक एक नंबर का छिनाल था, समझे, शिव भगवान थे, कृष्ण की तो बात ही मत करो, शिव महाराज जी, जी शिव 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 शंकर शिव भोलेनाथ, उनके बारे में क्या ख्याल है? जो भोलेनाथ है, वो भोलेनाथ जो है वो आदिनाथ, जिसका नाम है ऋषभ देव, जिन जो जैन लोग बोलते हैं उनकी सवारी बैल है, वो थे, ठीक है। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पशुपतिनाथ नाम का वो मिल जाएगा, जो कि हिंदू धर्म का नहीं है, वो जैन धर्म के ऋषभ देव हैं। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा आपने?
जी ये सर, आप ना जैनिज्म की किताब उठाइए और उसमें आपको शंकर जी का हिस्ट्री जो है अगर जानना है तो आपके हिंदू धर्म के किसी भी किताब में जैनिज्म की स्टोरी नहीं मिलेगी। कौन सी किताब है? मैं जैनिज्म भी अपने कौन सी किताब पढ़ी है? जैनिज्म का जो किताब है ना, आप जैनिज्म की किसी भी आप बड़े सबसे पहले उसका एक चैनल है उस पर आप चले जाइए ना, उसी से पूछ लेंगे, वही आपको बता देगा कि जो शंकर जी क्या आपने खुद से कुछ नहीं पढ़ा है? आपने खुद से कुछ नहीं पढ़ा है? मैं आपने चैनल से देखा है? मैं सुनिए, जो मैं जैनिज्म की बात कर रहा हूँ, जैनिज्म का किताब मुझे नहीं मिला, लेकिन जो शिव जी हैं, शिव जी की जो हिस्ट्री जानने की जब मैंने कोशिश की तब मुझे ये मालूम पड़ा कि जो ऋषभ देव है उसी को जबरदस्ती हिंदुओं ने, यानी कि जो हिंदू धर्म है उसमें उनको शिव शंकर या जो कुछ भी जितने भी नाम बोलते हैं वो बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म जैनिज्म बुद्धिज्म शिव जी, हाँ, ऋषभ देव का जो री है, री शब्द आता है ऋषभ देव, आप जानते हैं ना ऋषभ देव के आगे में री लगता है, ऋषि का री लगता है। हाँ बोलिए। ऋषभ देव हम हिंदी में लिखेंगे तो ऋषि का री, उनको आदिनाथ भी बोलते हैं, ऋषि आदिनाथ भी बोलते हैं। ऋषि का री जो है, हाँ ऋषि आर्य ना, ठीक है, ऋषि का री जो है वो भारत में सबसे पहले कब पाया गया था? देखिए सबसे पुराना जो लैंग्वेज है वो है केरला साइड का, कर्नाटका का, ठीक है, सबसे पुराना जो लैंग्वेज है वो है। ये कहां पढ़ा, कहां पढ़ा पता नहीं, कहां पढ़ा कहीं तो पढ़ा है, लेकिन जो सबसे जो पुराना है वो केरला साइड का। भारतीय प्राचीन लिपि मालूम, उसमें ये सब बातें नहीं लिखी हुई है। देखिए सर ये अगर आप क्या बोलते हैं लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज कब कैसे और क्यों शुरू हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक मिनट, मैं आपको कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ ये किताब है, ये किताब का नाम है एस्केवेशन सेट पीपर हवा एट एंड गनवारिया। सबसे पहले हिस्ट्री की बात अगर देखें तो ये किताब किसने लिखा और कब लिखा, मैं बता रहा हूँ ना किसने लिखा, ये देख लीजिए ना, आराम से रुकिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जनपथ न्यू दिल्ली की ये किताब है। इस किताब को लिखा है के एम श्रीवास्तव ने, ठीक है। मेमोर्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी पंडित वंडित को नहीं मानता, हेलो, मैं किसी वास्तव को नहीं मानता, नहीं मानता। ये मेरे पास एक किताब है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीवास्तव ने लिखी है, पब्लिश्ड बाय द डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जनपथ न्यू दिल्ली 1996। भाई अब देखिए मैं डायरेक्टर जनरल की किताब लेके आ गया, अब आप नहीं मानते तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं आपको कैसे श्रीवास्तव पंडित नहीं होते? अरे भाई ये श्रीवास्तव ये बड़ा ही थे, किताब है, ये पूरी किताब है, देखिए पूरी खुदाई हुई थी ना, ये पूरी किताब है, ठीक है। अब मैं आपको पेज नंबर 31 में ले जा रहा हूँ, ये देखिए। अच्छा एक बात मुझे ये समझ में नहीं है, आप सारे चीजों में बात करते हैं लेकिन जब बुद्धिज्म की बात, अभी चुप अनुदिन जी आप बात ये मिर्च लग गई, देखे इनको मिर्च लग गई, अब ये मिर्च लग गई, अब किताब तो मिर्च लग गई, ये मैंने पढ़ा नहीं, मैं ये बोला अगर आप नास्तिक हो तो किसी की बात, मैं किताब लिखी हुई तो मैं वो बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने ओपिनियंस कहाँ दे रहा हूँ, मैं किताब का नाम बता दिया, लेखक बता दिया, पेज नंबर दिखा रहा हूँ, कहा था ना साचे की उत्पत्ति कैसे हुई वो दिखाइए। अरे अभी बात करेंगे भाई, नास्तिकता पे बात कर लेंगे, पहले ये बात कर लो, न्यूटन जी इनको ये दिखाओ। हाँ ये डायरेक्टर जनरल ने किताब लिखी है भाई, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। Of all the finds in the massive coffer, the most important was the inscription on the lid of the smaller steatite vase. The inscription was read as Sukiti Bhatinam Sa, ये लिखा हुआ है, ठीक है। Though many translation of the inscription has been presented by various scholars, the widely accepted ones are restricted to three. G. Buller translated the inscriptions thus. This relic shrine of divine Buddha is the donation of the Sakya Sukiti brothers, that is either of the Sukiti brother or of Sukiti and his brothers, associated with their sisters, sons and wives.
रीस डेविड्स हैज ट्रांसलेटेड द इंस्क्रिप्शन इन द फॉलोइंग मैनर. दिस श्राइन फॉर द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा द अगस्ट वन इज द वन ऑफ द शाक्यास द ब्रदरन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड वन इन एसोसिएशन विद देयर सिस्टर्स एंड विद देयर चिल्ड्रन एंड देयर वाइव्स. J.F. Fleet translated the scriptures thus of the brethren of the well-famed one together with their little sisters together with their children and wives. This is a deposit of relics, namely the kinsmen of Buddha, the blessed one. तो भाई देखिए अब यहाँ तो अपने को क्या मिल गया, एक वास ही मिल गया है? अब ये मैंने नहीं बोला, ये उत्पत्ति कैसे हुई थी वो बताइए. सात की उत्पत्ति बुद्धिज्म में जो सात उत्पत्ति है ना वो कैसे हुई थी? आपने जो बुधा का आपने मांगा रेफरेंस, मैंने आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस दे दिया, वो भी एएसआई के डायरेक्टर जनरल के द्वारा लिखा हुआ. आपके किताब में जो है त्रिपिटक, त्रिपिटक में सात की उत्पत्ति लिखी है. नहीं आप तो भाग गए, एक आवाज बंद कर लीजिए, मैं कुछ बात कह रहा हूँ. न्यूटन जी देखिए ये नास्तिक हैं, मुझे लगता है इनसे नास्तिकता पे बात करनी चाहिए कि ये नास्तिक है भी कि नहीं. बात करिए शर्मा जी, आप नास्तिक हैं? हाँ नास्तिक हूँ मैं, किसी भी भगवान को नहीं मानते. नास्तिक हूँ किसी भगवान को, खुद की आइडियोलॉजी नहीं. तो फोटो मांग रहे थे ना ब्रह्मा जी का व्यभिचार का फोटो दिखाइए करके, तो मैंने आपको साथी की उत्पत्ति का फोटो मतलब वो मांगा ना, दीजिए ना साथी की उत्पत्ति कैसे हुई थी दिखाइए जरा मुझे. अच्छा शर्मा जी ये बताएं कि आप नास्तिक हैं, कैसे हुई थी किसी भगवान को नहीं मानते यार. कैसी भी क्या फर्क पड़ता है भाई, अपने बुद्धा क्या मांगा हमने दिखा दिया और शाक्य की उत्पत्ति. अरे दोनों भाई बहन आपस में संभोग करते हैं तो शाक्य की उत्पत्ति होती है, भाई बहन आपस में करते हैं शाक्य की उत्पत्ति हुई. हाँ अरे मेरे भाई अगर ये लिखा भी है, अगर ये लिखा भी है 2500 साल पहले अगर ऐसा होता भी था तो उसे क्या फर्क पड़ जाएगा. श्रीलंका बुद्ध जी कैसे पहुंच गए? अरे शर्मा जी वो छोड़िए, बात करिए थोड़ा, मुझे नास्तिकता पे बात करनी है. शर्मा जी ये बताएं कैसे पहुंचे बुद्ध जी? अरे सुनो तो सही, आप नास्तिक हो पहले ये सिद्ध करो कि दुनिया कैसे बनी. आप किसी को मानते नहीं हो क्रिएटर, ये बताओ ये दुनिया कैसे बनी. जब दुनिया बनी थी ना तो सबसे पहले डायनासोर थे और ये धरती थी, सूर्य था, चंद्र था, पेड़ पौधे. नहीं अरे शर्मा जी सुनिए सही, डायनासोर से पहले कौन था? कवक और सेवाल से पहले कौन? पानी से पहले क्या था? तब मैं नहीं था ना, इतना सबको सवाल पूछा गया हिस्ट्री में जितना लिखा उतना बता रहा हूं आपको. सर देखिए नहीं नास्तिकता के प्रश्न जवाब देने पड़ेंगे ना, जब आप किसी क्रिएशन को क्रिएटर को नहीं मानते तो आपको ये बताना पड़ेगा दुनिया कैसे बनी. थोड़ा बताएं जरा मुझे दुनिया कैसे बनी. अब वो यार विज्ञान पे जाओ, बिग बैंग थ्योरी. नहीं तो आपको अपनी नास्तिकता सिद्ध करनी पड़ेगी. मैं तो कह रहा हूँ आप फर्जी नास्तिक हो, आप सिद्ध करो आप असली नास्तिक हो, बताओ दुनिया कैसे बनी. दुनिया कैसे बनी? क्या मैं इतना बड़ा नास्तिक हूँ तो नास्तिक बात को किसी ने ये बताया कि दुनिया ऐसे बनी थी? अरे तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि आप नास्तिक हो, कोई भगवान नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है? मान लिया क्यों? मैं किसी भगवान को नहीं, मैं ये जानता हूँ कि अगर सुनिए कैसे किस हिसाब से नास्तिक मैंने अपने आप को बनाया. सुनिए मैंने नास्तिक कैसे बनाया अपने आप को? नहीं मैं आप मेरी बात सुन नहीं रहे. मैं सांस लेता हूँ और मेरे अंदर आप गरम गुस्सा हो रहे हो. मैं प्यार से नहीं गरम तो आप शांति नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको हवा 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 मालूम है आपको? हवा कैसे बनी? हवा तो यार तीन चार चीजों से मिलकर बनी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और किस किस से गैसों से मिलकर के बनी हवा. और अगर आपके अंदर हवा दो मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो पहले हेलो. अरे शर्मा जी आप अपनी नास्तिकता सिद्धि नहीं कर पा रहे, आप फर्जी नास्तिक हो. सुनिए अब आप ये बताओ, अगर हवा नहीं गई बंद, किसने बनाई हवा बताएं थोड़ा. न्यूटन जी एक नास्तिक को पेलते हैं, देखिए क्या मजा आएगा आज. ठीक आज नास्तिक को ही पेला. हाँ चलो भाई भैया थोड़ा सा. हाँ हवा कैसे बनी बताओ, हवा कैसे बनी? कैसे बनी? जब हवा बनी तब मैं नहीं था, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि सुनो पहले हवा कैसे बनी वो मुझे जानने की जरूरत, वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपके अंदर दो मिनट के लिए हवा बंद कर दी जाए तो आपकी खुद की हवा निकल जाएगी. अरे कोई क्रिएटर नहीं है तो दुनिया बनी कैसे ये बताए ना थोड़ा, आप अपना कॉन्सेप्ट बताओ. क्रिएटर है ही नहीं, अगर कोई क्रिएटर होगा भी ना
नहीं अगर कोई क्रिएटर होगा भी तो राम कृष्ण और ये जो आप जिसकी बात करते हो ना, बुद्ध और ये बुद्ध और अल्लाह और ईसाई, ये सारे नहीं थे उसके पहले भी कि ये दुनिया बन चुकी थी। लगे शर्मा जी आप देखो अकड़ बकड़ कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि अगर कोई भगवान नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, तो दुनिया कैसे बनी? मैंने बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ लिया आपसे, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, आप अपनी नास्तिकता। दुनिया कैसे बनी? दुनिया कैसे बनी उस टाइम मैं नहीं था, लेकिन कैसे बनी? आप नास्तिक कैसे बने? अरे लेकिन सुनो ना यार भाई, बोलने नहीं दो, जब तो आप जिसकी भी बात करते हो वो नहीं थे, फिर भी उसके पहले दुनिया थी, यही मेरी नास्तिक बात का सबसे पहला ये है। कोई क्रिएटर नहीं है इस दुनिया का, तो दुनिया बनी कैसे ये बताओ ना, आप नास्तिक कह रहे हो खुद को। जिस चीज का आप नाम लेते हो वो नहीं था लेकिन ये दुनिया थी, और जब दुनिया थी इसलिए वो आदमी जिसको आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, वो आदमी क्रिएटर हो सकता है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि दुनिया कैसे बनी, जब कोई क्रिएटर नहीं है इस दुनिया का, तो आप नास्तिक हो तो प्रमाणित कर दो। अगर आप कहते हो तो अच्छा ये बताइए मुझे, फिर आप ये रैशनलिस्ट क्यों लिखते हो? रैशनलिस्ट का मतलब क्या होता है पहले मुझे आप बताइए, आपके चैनल का नाम का मतलब क्या है? शर्मा जी आपने दावा किया आप नास्तिक हो, तो मैंने पूछा कि आप नास्तिक हो, किसी भगवान क्रिएटर को नहीं मानते, तो ये बताओ दुनिया कैसे बनी, आपको सिद्ध करना है सर। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैंने बताया मैं नास्तिक हूँ, सिद्ध करो ना। हिस्ट्री नहीं होता, हिस्ट्री करना पड़ता है सर। हिस्ट्री अगर थी, हिस्ट्री थी ना, शर्मा जी सुनो हम हटा देंगे, सुनिए सुनिए हम हटा देंगे, अगर आप तमीज से और कायदे से बात नहीं करोगे हम हटा देंगे। आप पहले तमीज से बात करिए। सर मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, एग्रेशन मत दिखाइए, और सुनिए आप पहले क्वेश्चन सुन लीजिए मेरा, आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। अरे आप ही बोल रहे हो सर, आप पीछे पलट के देख लेना, सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हो, बाकी सब सुन रहे हैं आपको। आप दूसरों को ओवरलैप भी करते हो, नहीं दूसरों को ओवरलैप भी करते हो जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप थोड़ा सुनिए मेरा क्वेश्चन। आपने आप मेरे से क्वेश्चन करते हो, सुनो आप मेरे से क्वेश्चन करते हो लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हो ना। मैं आपसे ही क्वेश्चन, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा पहले सर, नहीं हटा दूं क्या आपको? आप अगर सुनेंगे नहीं तो हटा दूंगा। अब अच्छा चलो सुनाओ, तुम्हारी बात सुनाओ पहले, जबरदस्ती के आ गए ना, क्योंकि तुम्हारा चैनल है। अरे शर्मा जी देखिए फिर वही बात करोगे, आप इतनी देर से बोल रहे हो, आप किसी की बात सुन नहीं रहे हो, अपनी अपनी गपड़ने लगे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि आप नास्तिक हो, आप किसी भगवान क्रिएटर को नहीं मानते, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप नहीं मानते, ये सिद्ध करिए कि दुनिया कैसे बनी, प्रमाणित। नास्तिकता ये है मेरी, एक लाइन में बताता हूँ, जितने भी भगवान को लोग मानते हैं, दुनिया कैसे बनी ये प्रमाणित करिए आप। जल वायु अग्नि सूर्य, ये दुनिया में ही है, दुनिया बनी है कब बने हैं, दुनिया बनने के बाद बनी है चारों चीजें, दुनिया कैसे बनी है ये बताइए भैया नास्तिक देवता। शर्मा जी अगर कुछ नहीं आता है तो पहले पढ़ लिख लेते, कहते हैं ना कि पढ़ने लिखने पे पहले ध्यान दे लेते, तो यहाँ पर मतलब नास्तिक होता तो जवाब पता होते, अगर ये पता नास्तिक होता पता तो अभी जवाब पता होते। मैं भी न्यूटन जी से पूछ लूं, वो बिल्कुल 1-10 मिनट में पूरा डिटेल बता देंगे, ये फर्जी नास्तिक। अच्छा सर वैसे शिवाजी शर्मा जो है, ये जो व्यक्ति है ना, तो भाई नास्तिक वाला पक्ष अपना संभाल पा रहा है ना, तो आस्तिक वाला ही पक्ष, मतलब ये तो इसकी नैया बिल्कुल मझधार में चल रही है, मतलब ये दो विपरीत धाराओं में बहने वाली नावों पे भाई पैर रखकर चलना चाहता है, भाई टांगे फट जाएंगी शिवाजी शर्मा जी, किसी एक पे चल लो, या नास्तिक बन जाओ, नास्तिकता को पढ़ना है तो बुद्ध को पढ़ लो बेटा, पता चल जाएगा तुम्हें नास्तिकता होती क्या। अरे सर ये क्या बात बोल दी सर, नहीं नहीं बुद्ध नहीं पढ़ा इसलिए नास्तिकता भी नहीं पता। मॉरल सर तौबा तौबा, मॉरल सर तौबा तौबा, बुद्ध से तो उसे नफरत है, बिल्कुल घोर नफरत है वो, और बुद्ध के चक्कर में ही वो खुद को नास्तिक बता दिया, मतलब उसको अभी अगर वो मतलब अगर खुद को सनातनी बोलेगा, खुद को हिंदू बोलेगा, फिर तो बुद्ध वाली नफरत है वो समझ में आएगी लोगों को, बुद्धा से नफरत दिखाने के चक्कर में ही वो खुद को नास्तिक बोला, अब बेचारा नास्तिक पक्ष भी अपना नहीं रख पा रहा है। बस मिमियाने से कुछ नहीं होता शिवाजी भाई, आपको पढ़ना चाहिए, आप जरा पढ़िए, आप देखो वही बेफजूल में आप एग्रेशन दिखाओगे, यहाँ पर ज्यादा वो गाली गलौज करोगे, आपको नहीं पता है आप नास्तिक पे, नास्तिकता पर भी सही से जो पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहा हो, आस्तिकता में आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ आपको बुद्ध का विरोध करना है, वो नफरत दिख रही है आपको, जो बहुजन समाज है, जो दलित पिछड़े हैं, उनसे जो नफरत ब्राह्मणों की होती है ना, वो नफरत दिख रही है भाई। शर्मा से पहले तो आप खुद को ब्राह्मण से बोल रहे हो कि भाई हम ब्राह्मण नहीं है, ये आप जैसे मुखौटे पहन के ना, बहुत सारे इम्पोस्टर्स आते हैं और उन्हीं इम्पोस्टर में से आप एक बहरूपी हो,
तो शर्मा जी यार क्यों ये लबादा उड़े हुए, नकाब उतारो, सुनो नकाब, नकाब, अरे नकाब सुनो उतारो, ना नकाब उतारो, नकाब उत्तर प्रदेश जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ और शर्मा के नाम का डिफेंड करके बता करके आ जाओ कि शर्मा को लोहार भी बोलते हैं, बढ़ई भी बोलते हैं, नाई नाई बाल काटने वाले को भी बोलते थे, वो सब हमें पता है, आप नास्तिकता बताएं, नास्तिक दुनिया कैसे बनी ये बताएं सर। चलो मान लो मैं नास्तिक को मानता हूँ, लेकिन नास्तिकता के बारे में मुझे नहीं पता, तो चलो आप भी लिख दो ना नास्तिक, आप बताओ ना, आप मुझे पहले बताओ नास्तिक, मैंने पहले ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हो बहुत साल बहुत टाइम पहले मैं कर चुका हूँ कि भाई नास्तिक का ओरिजिनल मीनिंग क्या है आपकी नजर में। मुझे वो नहीं जानना सर, मुझे ये जानना है कि आप किसी इशू को, आपने कैसे, आपने मुझे क्यों कहा कि बुद्धिज्म का किताब पढ़ो। शिवाजी बीच में इंटरप्ट नहीं करना है यार, आपकी बात रखने दी जा रही, दूसरे बात जब सामने वाला कोई बोल रहा है तो आप उसको बोलने भी नहीं दे रहे हो, मतलब ये चपड़ चपड़ तो बंद कर लो मेरे भैया, आप सामने वाला का भी क्वेश्चन सुन लो, जवाब सुन लो, उसके बाद बोल लो, खुद भी मतलब खुद बोले जा रहे हो, सामने वाले को बोलने ही नहीं दोगे, ऐसे नहीं चलेगा ना भाई, थोड़ा सुनना भी सीखो। पहली बात, हाँ सर, एक जन बात करो ना, एक जन बात करो, यहाँ पर ये कोई, यहाँ पर ये तय करने वाले शिवाजी भाई अब कोई नहीं हो कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, यहाँ पर हम सभी पैनलिस्ट साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कबड्डी या कोई दंगल प्रोग्राम नहीं चल रहा कि भाई तुम्हें कुश्ती लड़ना है तो यहाँ पर जोर आजमाई से ताकत दिखानी, यहाँ पर बात हो रही बेचारे की और यहाँ बात हो रही है नॉलेज की, वो आपको आता है तो नास्तिकता की डेफिनेशन दे दीजिए, हम चारों लोग बैठे हुए हैं, आप किसी का भी जवाब दे दीजिए, यहाँ पर कोई कबड्डी थोड़ी ना चल रही कि सारी ताकत दिखाना है तो आप रो रहे हो मिमिया रहे हो भैया हम तो पतले हैं, ये आजाद 6 फुट का जवान है, मॉरल टीचर सर 6 फुट 2 इंच के हैं, ये न्यूटन तो और भी खली जैसे दिखते हैं, ये थोड़ी ना चल रहा कि भाई मैं तो बच्चू सा हूँ मेरे को मारेंगे, तो यार ये रोना छोड़िए, तो यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं चल रही है समझ में, अब बताइए नास्तिक। अच्छा, निकालने के बाद मुझे यहाँ से निकालने के बाद तूने सब कुछ कहा ना, तो सर ये सवाल तेरा पहले था कि नास्तिक का मतलब क्या होता है, ये सवाल मुझे, मेरा सवाल ये नास्तिक का मतलब जो वेद विरोधी होता है वो नास्तिक होता है, अरे देर में न जाने कितने छेद है भाई, अरे सुनो देर न जाने कितने छेद है, ठीक है देर की बात मत करो। शिवाजी आप खुद को नास्तिक बोले, पहले आप डेफिनेशन दे दीजिए, हम तो डेली ही देते हैं, हमारे बारे में सबको पता है नास्तिक, आप मैंने बोले बताया मैं आपसे ना, डेफिनेशन आपसे पूछ रहा हूँ क्या डेफिनेशन, चलिए डिफाइन करिए नास्तिक, मैंने बताया आपके अंदर 2 मिनट के लिए अगर हवा नहीं गई तो आपका काम तमाम, ये है नास्तिक का बात, ठीक है अब आप जो बोलिए आप जवाब दीजिए। अच्छा शर्मा जी बिग बैंग के बारे में जानते हो, बिग बैंग के बारे में जानते हो शर्मा जी, थोड़ा सा बिग बैंग के बारे में, नास्तिक हो बिग बैंग के बारे में, बिग बैंग हो या कोई भी, ये तो बिग बैंग अभी आया सर, लेकिन बिग बैंग तो नहीं सर, बिग बैंग अभी 14 करोड़ वर्ष पहले आया, बिग बैंग अभी कहां घुसेड़ दिया आपने, कैसे नास्तिक हो यार, वैज्ञानिक आपको दुनिया कैसे बनी है, वैज्ञानिक दुनिया कैसे बनी है, वैज्ञानिक दुनिया कैसे बनी है बताओ, दुनिया कैसे बनी वो बाकी बात है, लेकिन जो इंसान है ना, जितने भी भगवान या किसी को भी मानते हैं, अगर उनके अंदर 2 मिनट के लिए हवा बंद कर दी जाए तो उनका काम तमाम हो जाएगा। हाँ तो दुनिया कैसे बनी, ये है नास्तिकतावाद, नहीं है नास्तिकतावाद सर, दुनिया कैसे बनी, नास्तिकतावाद नास्तिकतावाद ये नहीं है ना, नास्तिकतावाद ये चिंतन है कि दुनिया किसने बनाई, कोई ईश्वर है श्रीमान, श्रीमान जी ये है नास्तिकतावाद का चिंतन, बताए कोई क्रिएटर है कि नहीं दुनिया का, अच्छा आप मानते हो कोई क्रिएटर नहीं है, क्यों नहीं, नहीं है क्रिएटर, नहीं है तो दुनिया कैसे बनी बताओ, आप मुझे ये बताइए हवाई जहाज कैसे बना, उसका कौन क्रिएटर है, दुनिया कैसे बनी सर, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हवाई जहाज की बात नहीं सर, वही तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वही आप जब आप धरती में जाते हो, जब मिट्टी के अंदर जाते हो, मिट्टी के अंदर में कोई पेड़ का पौधा, पेड़ या कोई, मिट्टी के अंदर क्या होता है, धरती के अंदर कितनी परतें हैं सर बताए जरा थोड़ी, अब मैंने परत गिनी है, आपने गिना है क्या, हाँ मैंने गिना है ना सर, मुझे पता है मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, बताइए कितनी परत, बताइए कितनी, नहीं आपने बोला ना धरती के अंदर जाते हो तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना, फिर मैं आपको सुधारूंगा गलत, धरती नहीं मिट्टी के अंदर कोई बीज डालते होती है ना भाई, क्या बात कर रहे हो, अच्छा होती होगी लेकिन मिट्टी के अंदर कोई बीज जब डालते हैं,
हाँ, बीज फलता कैसे, मिट्टी में उर्वरकता कहाँ से आती है? अरे शर्मा जी, मिट्टी में उर्वरकता कहाँ से आती है बताएं? मिट्टी में उर्वरकता कहाँ से आती है? हवा पानी सूर्य नहीं आती सर, हवा का कोई मूल्य नहीं, मिट्टी की उर्वरकता से मिट्टी का मूल्य। शर्मा जी मत करिए ये बातें, आप वैज्ञानिक, आपको नहीं पता तो बहुत बता दीजिए, मैं बता दूंगा मिट्टी में उर्वरकता कहाँ से आती है। जो पेड़ खाना कैसे बनाता है, पेड़ खाना कैसे बनाता है बता दूंगा, मैं वो भी बता दूंगा, आप बताइए, आप नास्तिक हैं तो ये प्रमाण आपको देना है सर। पेड़ खाना कैसे बनाता है, किस किस की मदद लेकर के पेड़ जो है वो खाना बनाता है अपने लिए? किसने, और खुद किसने कहा आपसे पेड़ कोई खाना बनाता है? पेड़ की रसोई होती है, वो स्टोव रखता है, लाइट साइकिल, कोई अच्छा हिस्ट्री में पढ़ा ना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण की क्रिया से, संश्लेषण क्या होता है सर बताएं तो सही, संश्लेषण का शब्द का मतलब क्या है इंग्लिश में, सिंथेसिस, किसी चीज को अपने अंदर, किसी चीज को अपने अंदर सोखने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा ये सिंथेसाइजर होता है सर, वो क्या होता है फिर थोड़ा बताएं, सोखने की प्रक्रिया है तो सिंथेसाइजर में भी सोखते हो क्या? हिंदी बताओ, हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। सिंथेसाइजर नहीं देखा आपको, जो बजाते हैं गाना बजाने वाले सिंथेसाइजर बजाते हैं? हाँ तो गाना बजाते तो क्या होता है सर, वो क्या करते हैं उसमें? प्रकाश संश्लेषण आप कह रहे हो उसे, फोटोसिंथेसिस होता है इंग्लिश में, आपने कहा सोखने की प्रक्रिया सिंथेसिस होती है, तो सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ सर? संश्लेषण सिंथेसिस बोलते हैं, क्या मतलब है उसका? लेकिन एक बात है, चाहे आप कितना भी करो लेकिन एक बात है, लेकिन ये बात है शर्मा जी कि आपको पता ही नहीं है दुनिया कैसे बनी सर, आपको कुछ शब्दों का सर, ये इतना बड़ा गपोड़ी है, आस्तिक है, नहीं आस्तिक है और ये इतना मूर्ख व्यक्ति है सर, ये देखिएगा कि इसको जरा भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ही जीरो नॉलेज है हर सब्जेक्ट के बारे में, और इससे जो भी सवाल पूछो ये हुआ वो हुआ फैलसीज खेलने लगता है, फिर वही चीज अगर जवाब नहीं आता कि दुनिया कैसे बनी तो बोलता है कि तुम भी नास्तिक बोलते तुम ही बता दो, मतलब फिर ये क्या बताने आया, फिर हम ही सब कुछ कर ले तो ये आया क्यों है भाई यहाँ पर, मतलब इसे समकालीन प्रमाण चाहिए, ये बुद्ध से इतनी नफरत है, बुद्ध से इसको खास जलन है, इसको खास प्रकार की जलन है सर, ये किताब खोल के तो बता दिया न्यूटन जी आपने, और कितना प्रमाण बता दोगे आप बताओ ना, इसे कुछ ही तो नहीं मान रहा, आंटी के पेटों का ईएसआई के डर लग रहा है सर, प्रमाण है ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे राइटर का है, हाँ बिल्कुल, और वो रखी भी है ना, वो कास्केट्स भी रखी हुई ना, वो तो सामने ही तो दिख जाती है, रखी भी है, हाँ किताब है, मैं उसको दे दूंगा ग्रुप में, चलो लास्ट टाइम इसको लेते हैं, अगर कुछ जवाब देता है तो ठीक है। हाँ भाई शिवाजी भाई, अगर कुछ आता है तो यार बता दो, नहीं आता है तो यहाँ पर मूर्खता का परिचय ना दीजिए, यहाँ पर और भी लोग हैं उनसे बात करना है, कुछ नहीं पता है तो आप चपड़ चपड़ मत करो यार, बता दो आपको कुछ नहीं पता है, आपसे आता है आपको समझता मतलब वही बात उसने फिर कर दी, पूछो ना इससे आप रैशनल का मतलब पूछना, आजाद भाई रैशनल का मतलब पूछो इससे क्या होता है सर, वही बात मैं जो कह रहा था ना वही बात कर दिया, अगर उसको कुछ नहीं आता तो बोलता है आपको आता है, मतलब अगर हम पूछे ये बोल रहा था मैं नास्तिक हूँ, इससे नास्तिक की नास्तिकता की डेफिनेशन अगर पूछी तो ये बोलता है कि आपको आती है, मैं तुम्हारा चेला बन जाता हूँ, मुझे बताओ ना चेला बनता हूँ तुम्हारा, मैं भाई सुनो शिवाजी बन पाओगे यार, अरे शिवाजी भाई अगर अगर किसी को ज्ञान ना हो तो उसे ज्ञान देते हैं, तो आप ज्ञान दीजिए मुझे शिवाजी भाई, आप नास्तिक थे तो आपसे ये पूछा था मोरल सर ने कि दुनिया कैसे बनी, जरा बताओ, आप वो जवाब दीजिए, इधर उधर मत भटकिए, मतलब ये डिस्ट्रैक्ट करके फैलसीज खेल के आप जो मूल मुद्दा है उससे भाग रहे हो, भागिए शिवाजी भाई अगर नहीं पता, आजाद भाई इन्हें दीक्षा दे देते हैं अपन, 22 प्रतिज्ञा पढ़वा के दीक्षा देके अपन ज्ञान देते हैं, पूछो इनसे, नहीं पता तो यार बता दो हम बता देंगे आपको कैसे दुनिया बनी, आप बता दो कि हमें नहीं पता, एक तो सबसे पहले तीन तीन चार चल मिल करके मेरे से बात कर रहे हो, अरे तो अच्छी बात, बात है यार भाई, अच्छे रोंदू हो यार भाई, वही रोते रहते हो यहां पर, कबड्डी तो अच्छी बात नहीं चल रही, मतलब बताएं मॉरल टीचर और मैं तो चुप ही बैठे हुए हैं, अच्छा ये बताओ फिर भी न्यूटन जी अगर ये मान लो चाहे चार लोग ये सवाल पूछे कि दुनिया कैसे बनी, चाहे 80 लोग पूछे और चाहे 800 लोग पूछे और चाहे 1000 लोग पूछे, क्या ये सवाल 1000 लोग
पूछेंगे तो क्या सर पे बोझा हो जाएगा कि दब जाएंगे शिवाजी भाई हमारे और सांस नहीं आएगी, और फिर कहेंगे भाई 1,000 लोगों ने सवाल पूछा है, थोड़ा कम कर लो भाई तब तो जवाब दे पाऊं। मतलब किस किस्म की बातें कर रहे हो? आपने ये पूछा कि दुनिया बनी कैसे, बस वो बता दीजिए। आप 1,000 पूछे, 10,000 लोग पूछे, सवाल तो एक ही है ना भाई। यहाँ पर बात ये हो रही है, आप कॉमन सेंस नहीं लगाते हो, आप तो रोना शुरू कर दिए हो मेरे भैया। बताओ चलो दुनिया कैसे बनी, चलो बताओ। अभी मैं अकेला पूछा, मैं अकेला आप बता दो, आप बता दो दुनिया कैसे बनी, मैं नहीं जानता। ले लो, मैं बता रहा हूँ दीक्षा दे दो। हाँ, दो कि दुनिया कैसे बनी। न्यूटन जी आज इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करेंगे 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। न्यूटन जी चलिए 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ाएं। न्यूटन जी 22 प्रतिज्ञाएं एक सब्जेक्ट पे बात करना, दुनिया कैसे। हाँ बताइए। हाँ उसी पे आएंगे ना, पहले दीक्षा दिलवाते हैं तभी जाके। हाँ पहले दीक्षा, हाँ न्यूटन जी शेयर करो, पहले इसको दीक्षा दिलवाते हैं। वापस लाइए 22 प्रतिज्ञा। हाँ ये मैं खोल देता हूँ। मॉरल टीचर सर, तब तक तो इसको अपन वो नियम समझा देते हैं कि यहाँ पर जो बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। मतलब वो प्रतिज्ञाएं जो हैं बाबा साहब की, हम आपको भी दीक्षा दिलवाते हैं। आप यहाँ पर मॉरल टीचर सर ये प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, जैसे मॉरल टीचर सर पहली प्रतिज्ञा इस तरीके से पढ़ेंगे, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। जैसे उन्होंने ये बोला, आपको सेम लाइन रिपीट करनी है। इसी तरीके से 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाएंगे, आपको 22 की 22 आपको रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आप जब 22 भी प्रतिज्ञा रिपीट कर लेंगे, फिर आप फिर आप बौद्ध धम्म में दीक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो दीक्षित होने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि दुनिया कैसे बनी थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शिवाजी शर्मा, अभी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं ठीक है, वरना आपको ठीक है। हाँ मॉरल म्यूट करेंगे। हाँ शिवाजी शर्मा शुरू करें दीक्षा आपकी, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो। भाई साहब सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं तो हिंदी है ठीक है, और आप खुद कहते हैं हिंदी लैंग्वेज बहुत जल्दी आया, लेकिन दुनिया कब बनी थी ये आपने बताया ही नहीं। यार शर्मा जी फिर वही पहुंच गए, दीक्षा ले लो, कहां से कहां पहुंच गए ये व्यक्ति। तो लो अभी बात कुछ होती है भाई, ये कहां पहुंच जाता है बीच बीच में उछल उछल कूद करके। यार मैंने पूरी धमपद पढ़ी है, हिंदी भाषा में ले लो क्या दिक्कत है, संस्कृत में लो। धमपद भी पढ़ी है मैंने ठीक है। तो नहीं तो हम यही 22 प्रतिज्ञा पढ़े थे ना, कहां धमपद में जा रहे हो शिवाजी, कहां धमपद में जा रहे हो, 22 प्रतिज्ञा पढ़ लो ना। सुनो शिवाजी भाई, शुरू की 10 ही पढ़ो। चलो नहीं न्यूटन जी, शिवाजी सुनो यार, जो प्रतिज्ञा है ना वो हिंदी में इसलिए दिखा रहे हैं, सुन तो लो मेरे भैया, चुप रहा करो थोड़ा, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। जब यहाँ पर ये हम सभी लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी पढ़ लेते हैं, मैं भी आप भी बाकी हमारे व्यूअर्स भी, तो यहाँ पर बेटर है कि हम हिंदी में बात करें। मतलब संस्कृत पढ़ोगे क्या, संस्कृत चाहिए आपको? अरे हिंदी कब आई, क्या आई, उसकी हिस्ट्री पे बाद में बात कर लेंगे यार। मतलब आपको अगर बेर खाने को दिया है तो आप बेर खाने को, बेर तो खाया नहीं आपने, गुठली निकाल के पूछ रहे हो भाई ये गुठली क्या है, इसका हिस्ट्री कैसे, ये गुठली कब आई, कैसे अस्तित्व में आई, ये बेर का पेड़ कब खड़ा हुआ। अरे भाई जब भूख लगी होती है शिवाजी शर्मा तो पहले बेर खाया जाता है, उसकी गुठली नहीं गिनो यार। अब गुठलियां गिनोगे तो फिर गुठलियां ही रह जाएंगी आपके पास और कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपसे 22 प्रतिज्ञाओं की बात हो रही थी, आप फैलेसीज खेल के इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं, ये जंपिंग जपाक छोड़िए और एक जगह स्टिक रहिए। अब चलिए बात करते हैं ये प्रतिज्ञाओं पर। मॉरल टीचर सर पढ़ना शुरू कीजिए, हमारे ये दीक्षित होना चाहते हैं। सब बताएंगे फिर। तो मैं बुद्ध भगवान ने नदी में खीरे डाला तो उल्टी दिशा में कैसे चला गया, ये थोड़ी मुझे बताया पहले। शर्मा जी आप पलट गए, देखो वो भी दिखा देंगे आपको। पलट गए, अभी आपने बोला था ज्ञान चाहिए तो दीक्षा लेने तैयार हो गए थे, सब दिखाएंगे अभी। अच्छा ठीक है शिवाजी भाई, पक्का ना? सुनो शिवाजी भाई, सुनिए 22 प्रतिज्ञाओं के बाद आपका न्यूटन स्कूल ऑफ थॉट में एडमिशन होगा, बाकायदा सारे ज्ञान मिलेंगे आपको। पक्का सारे ज्ञान मिलेंगे आपको। किताब लेता हूं, अगर आप असली अगर आप पैलिस्ट और चैनल चलाने वाले हो तो बिना मेरे सवाल का जवाब दिए मुझे यहाँ से निकालना नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो, प्रतिज्ञा करो पहले।
जिस चीज को आप मानते हो उसकी प्रतिज्ञा लो, फिर मैं आपके सारे चीज को आपके हिसाब से बात करूंगा। देखो शर्मा जी आप बोर कर रहे हो, सुनो दूसरे लोगों को भी लेना है। नहीं सर, अगर आप मुद्दे की बात कर रहे हो तो बताओ, आपने का ज्ञान चाहिए, हमने का प्रतिज्ञा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर जाओ भाई खत्म करो। अगर भाई निकलो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर भाई आप चलो निकलो निकलो शर्मा जी, समय आपको टाइम नहीं है आपके लिए, आप समय खराब कर रहे हो। आप अगर मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको जब 22 प्रतिज्ञाएं लेनी है तो बताइए, अदरवाइज मैं हटा दूंगा। लेनी है हाँ या ना, मैं जवाब देना सर। मैं आपकी सारे चलो ये मैं याद ही रहेगा, हटाओ सर इसको। ये बताए कैसे नास्तिक हैं यार, नास्तिकवादी प्रतिज्ञाओं में तकलीफ हो रही है, नहीं मतलब ये सारी नास्तिकों की प्रतिज्ञाएं कैसे ना? ढोंगी व्यक्ति है ना सर, ढोंगी व्यक्ति है, ढोंगी ऐसे ही होते हैं सर ये, इसको जवाब नहीं आता, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है सर, तो मूर्खता की उसकी जो पोल खुल रही थी इसके डर की वजह से अब वो मिमियाने लगा, तो बोलता है कि भाई हम दीक्षित होने के लिए तैयार हैं, हम 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ेंगे। सामने आई तो फिर उसको ये लगा यार कि हम तो नास्तिक हैं ही नहीं, हम तो भाई पखंडी हैं, और पखंड कैसे बाबा साहब की प्रतिज्ञा पढ़ा लेगा, हमें तो बाबा साहब से, दलित समाज से, पिछड़े समाज से, हमें तो इन लोगों से बड़ी नफरत है बुद्ध से, तो फिर वो कैसे पढ़ेगा। तो सर नफरत का आलम ये है कि पढ़ भी नहीं सकते, और तो छोड़िए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बनके, दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।